वेलकम टू वॉन्ट बी अ शेफ। आज हम एगलेस फ्रूट केक या प्लम केक बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप्स शुगर, जो कि है 180 ग्राम्स ऑफ शुगर, और 180 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा, जो कि है 1 + 1/4 कप, और मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम बटर अनसॉल्टेड, और ये रूम टेम्परेचर पर है हमारा बटर। ये आधा कप, अगर कप्स में मेजर किया गया हो तो आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है। हमें 1/4 कप जूस, ऑरेंज जूस चाहिए फ्रेश, या आप कोई भी ऐसे पैक ले सकते हो। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 3 टेबलस्पून दही या फिर कर्ड आप बोल सकते हो, 1/2 कप मिक्स्ड सोक्ड फ्रूट्स जो हमने पहले से बनाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा एक सिनेमन स्टिक, मीडियम छोटा सा, 4 इलायची और 4 लौंग, जिसको हम पाउडर करेंगे और यूज़ करेंगे। अगर आपको नटमेग यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हमें चाहिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो चलिए बनाते हैं हमारा एगलेस फ्रूट केक या प्लम केक। मैंने यहाँ पर वाइट शुगर यूज़ किया है, आप अगर चाहो तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो, पर जैसे हमने वाइट शुगर यूज़ किया है, इसको हम थोड़ा कैरमल करेंगे फिर हम हमारा केक बनाएंगे। अगर आप ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हो या फिर अवेलेबल है आपके पास, तो आप डायरेक्टली शुगर और बटर को क्रीम कर सकते हो, पर जैसे कि मैंने यहाँ वाइट शुगर यूज़ किया है, हम इसको पहले थोड़ा सा कैरमल करेंगे फिर हम केक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो स्पाइसेस है, जो दालचीनी, लौंग और इलायची जो है, और हम इसका पाउडर करेंगे। हम इलायची को छील लेंगे और इसको अच्छे से फाइन पाउडर में करेंगे। तो ये बन गया हमारा स्पाइस मिक्सचर, और साथ ही हम लेंगे 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, जो कि है हमारा सॉल्ट जो हम बोलते हैं, वो हम ले लेंगे 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, और मैदा में हमारा ये जो स्पाइसेस है वो हम डाल देंगे, स्पाइस पाउडर जो हमने कूट के रख लिया है, और हम इसमें डालेंगे हमारा 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता हो, और इसमें डालेंगे हमारा बेकिंग सोडा, नमक और हमारा बेकिंग पाउडर, और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे हमारे सोक्ड फ्रूट्स जो कि हमने ली है 1/2 कप, वो हम डाल देंगे। हम फ्रूट्स को फ्लावर या फिर मैदा में इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि ये नीचे ना सिंक हो जाए या फिर नीचे ना बैठ जाए और केक में अच्छे से फैल जाए। तो हमने इसको कोट कर लिया, अब हम इसको साइड में रख लेंगे अभी के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम यहाँ पर वाइट शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कैरमल करेंगे। मैंने यहाँ पे सारा अपना वाइट शुगर डाल दिया है। चीनी को मेल्ट करने के लिए प्रेफरेबली आप नॉनस्टिक का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और चिपकने लगती है, तो आप नॉनस्टिक इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा इसको कैरमल करने के लिए, वरना आप डायरेक्टली ब्राउन शुगर यूज़ कर दीजिए। आप एग वाली जो प्लम केक या मैंने फ्रूट केक बताया था, उसमें भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो चीनी को बिना ब्राउन शुगर के। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर मेल्ट होने लग गया है, हम इसको थोड़ा सा और मेल्ट करेंगे और हम इसमें हमारा बटर डाल देंगे। हमारी चीनी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छे से हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और हम चीनी में हमारा जो ये बटर है हम ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस चीनी और बटर को थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इस चीनी और बटर को हमारे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे चीनी और बटर मिक्सचर को एक मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। ये काफ़ी गर्म होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, इसीलिए द ईजिएस्ट मेथड है
कि आप ब्राउन शुगर डायरेक्टली यूज़ कर लीजिएगा बिना ये सब झंझट की। तो मैंने ये सारा अपना डाल लिया इसमें कैरमल, बट ये कैरमल का अलग ही टेस्ट होता है हमारे केक में जब हम ये बेक करेंगे क्रिसमस केक, इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। ब्राउन शुगर हम ऐड करेंगे तो डिफरेंट होता है। तो ये मैंने डाल लिया अपना शुगर और बटर मिक्सचर। अब इसमें हम डालेंगे हमारा दही जो कि है 3 tablespoons ऑफ दही। इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा 3 tablespoons दही और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कैरमल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही में हम डालेंगे हमारा ऑरेंज जूस जो कि है 1/4 cup ऑफ ऑरेंज जूस हम इसमें डालेंगे। आप ऑरेंज जूस या फिर फ्रेश या जैसे कि मैं ले रही हूँ टेट्रा पैक, वैसे भी आप ले सकते हो, कोई भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना 1/4 cup ऑरेंज जूस और ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ये जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ेगा शुगर बटर को, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो जैसे कि आप देख रहे हो वैसे लम्स होने लग जाएंगे और ये शुगर जो है टाइट होने लग जाएगी। तो आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, इसीलिए द ईजिएस्ट मेथड है कि आप ब्राउन शुगर यूज़ कर लीजिए। और मैं इसमें डालती हूँ अपना 1 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस और ये गया हमारा 1 teaspoon वनीला एसेंस। अगर आप ऑरेंज जेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो भी चलेगा बिना वनीला एसेंस के। तो ये बन गया हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर। अब इसमें हम डालेंगे हमारा मैदे का मिक्सचर जो कि हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके रखा है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और हम मिक्स करेंगे इसको पहले। मैंने सारा मैदा डाल दिया अभी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रिसमस केक बनाने के बहुत से तरीके हैं, ये एक और तरीका है जो मैंने बताया है। और मेरा जो एग वाला क्रिसमस केक था वो एक मेथड था जो कि फ्रूट केक या क्रिसमस केक बनाने का। बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ है क्रिसमस केक बनाने की। तो ये बन गया हमारा एगलेस क्रिसमस केक का मिक्सचर। अब हम इसको अपने बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक 7 inch वाला बेकिंग पैन लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया और इसको पेपर मैंने डाल लिया है। और अब हमारा ये केक मिक्सचर हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम इसको बेक करेंगे प्री हीटेड अवन 180 डिग्रीज सेल्सियस पर 30 to 35 minutes तक, फिर तब तक जब तक आपका टूथपिक जो है वो क्लीन ना निकल आए। हमारा केक बिल्कुल रेडी है अभी अवन में जाने के लिए। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा काजू भी रख सकते हो जस्ट फॉर डेकोरेशन, आप वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे आज ऐसे ही केक खाना है। तो चलिए बेक करते हैं हमारा केक अभी। हमारा केक अभी अवन से बाहर आ गया है। मैंने आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके देखा है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको इसी टिन में 20 से 25 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख लेंगे, इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को इस टिन में ठंडा होने के लिए रख लिया था हमने। मैं यहाँ बटर नाइफ ले रही हूँ और इसको ऐसे साथ में घुमा रही हूँ सो दैट ये एजेस अपने लूज कर जाए और अपना हमारा केक आसानी से बाहर आ जाए। तो मैं एक स्टील प्लेट लेती हूँ और इसको उलट देंगे हम, थोड़ा सा हिला लीजिए और हमारा केक टिन बिल्कुल क्लीन है। और आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा और कितना मॉइस्ट ये केक बन गया है। मैं आपको कट करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा पाउडर शुगर लिया है ताकि ये केक पे थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप में कर लूँ, इसीलिए मैंने काजू नहीं डाला था जैसे कि मैंने अपने एग वाले फ्रूट केक में डाला था। तो हम थोड़ा सा शुगर इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। मैं इसका एक पीस करके आपको बताऊंगी कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट है अंदर से। आप देख सकते हो कि हमारा केक कितनी अच्छे से और कितना मॉइस्ट ये बन गया है।
कितना क्रम्बली है। दो ये एगलेस केक है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बना है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो डू लाइक और शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।